खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की, जहां पर जिला पुलिस ने दो दिन पहले ही एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। वहीं एसपी ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि गुलहोरा थाना क्षेत्र के बरगदवा पुल के पास 7 अक्टूबर को एक व्यक्ति की लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद गुलहोरा थाने पर अभियोग पंजीकृत कर जांच चल रही थी। जांच के दौरान जिसकी लाश मिली थी उसकी पहचान मथुरा प्रसाद मोरिया थाना इटवा के तुरकोलिया गाँव के रूप में हुई थी। दिनांक 7 अक्टूबर को थाना गलोरा में एक हमने FIR दर्ज की, जिसमें श्री रामभरण मौर्या ने रिपोर्ट लिखवाई कि उनके बेटे मथुरा प्रसाद मौर्या को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करके बरगदवा पुल के पास उनकी लाश को फेंक दिया गया है। इस पर तुरंत हमारे CO इटवा के नेतृत्व में और हमारे सर्विलांस सेल के टीम के साथ हमने इसमें अपना कार्य शुरू किया, और कार्य के दौरान सर्विलांस की मदद से और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस केस का अनावरण किया गया। इस हत्या में जो 3 लोग अभियुक्त हैं जिन्होंने हत्या का कृत्य को कारित किया है, वो 3 लोग हैं, संदीप मौर्या, विश्वनाथ यादव और अमर मणि। ये तीनों लोग इन तीनों लोगों ने उससे एक दिन पहले शाम को फ़ोन करके मृतक को बुलाया, उनके साथ बैठ के खाना पीना किया, शराब पी और रात के टाइम उसका गला घोट के उसको हत्या कर दी और उसकी लाश को बरगदवा नाले के पास फेंक दिया। इसमें जो हत्या का मोटिव क्या था सर? जो हत्या का मोटिव अब तक की विवेचना से सामने आया है और इसके लिए हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं कि जो मृतक की पत्नी है और जो सोनू है, इन दोनों के बीच का जो संबंध था वो मृतक उस बात से मृतक का अक्सर अपनी पत्नी के साथ और जो सोनू है उसके साथ अक्सर इस बात के ऊपर बहस होती थी, झगड़ा होता था। दोबारा कल उस दिन जब ये लोग आपस में खाना पीना कर रहे थे तब ये बात दोबारा उठी और उसी दौरान लड़ाई में उन लोगों ने मृतक को गला घोट के मार दिया। कितने लोग सर इसमें शामिल थे? इसमें कुल 3 पुरुष और एक मृतक की वाइफ, ये 4 अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं जो आज न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं।